સબસ્ક્રાઇબ કરો દેવાંશર કેમિસ્ટ્રી ચેનલને, બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરીને લેટેસ્ટ અપડેટ માટે. આઈ દેવાંગ પ્રજાપતિ ફ્રોમ ઉપનિષદ સાયન્સ એકેડમી લિંકડા. ઓકે, આજ હમ બચ્ચો સ્ટાર્ટર્ડ 11 કેમિસ્ટ્રી સબ્જેક્ટ કા જો ચેપ્ટર નંબર 1 હે સમ બેઝિક કન્સેપ્ટ્સ ઓફ કેમિસ્ટ્રી, ઠીક હે, ઉસકા લેક્ચર નંબર 3 પડને વાલે હે. ઠીક હે, લાસ્ટ લેક્ચર મે હમને જો પઢા થા, ઠીક હે, કેમિકલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેટર, ઠીક હે, બાદ મે 7 બેઝિક જો यूनिट्स थे, ठीक है, एसआई सिस्टम के, उसका स्टडी किया था. अभी आज हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे क्या है देखते हैं. प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है सबसे पहले. तो इन द तीन कॉलम दिखाई गई है यहाँ पे, मल्टीपल प्रीफिक्स एंड द सिंबल्स. ओके, वन बाय वन लेट्स सी. ओके, 10^-24 से स्टार्ट करके 10^+24 तक हमें जाना है दोस्तों, ठीक है, -24 से स्टार्ट करके +24 तक जाना है, ठीक है. सो -24 योक्टो स्मॉल वाई, -21 जेप्टो जेड स्मॉल, -18 एटो स्मॉल ए, 10^-15 फेम्टो स्मॉल एफ, -12 पिको स्मॉल पी, -9 नैनो स्मॉल एन, -6 माइक्रो म्यू, ठीक है, इसको माइक्रो बोल सकते हो, ठीक है. ये अभी यहां से रिलेवेंट है, ये शायद आप सब जो लोग जानते होंगे, 10^-3 मिली स्मॉल एम, -2 सेंटी स्मॉल सी, -1 डेसी स्मॉल डी, 10^+1 पावर में, ठीक है, या फिर सिर्फ 10 रख सकते हो, डेका डी ए, देन 10^2 हेक्टो, ओके, देन स्मॉल एच, 10^3 किलो, देन 10^6 मेगा कैपिटल एम, 10^9 ये सब कंप्यूटर में आता है शायद, गीगाबाइट किलोबाइट, ठीक है, टेराबाइट पेटाबाइट, ये सब आपने सुना होगा. 10^9 गीगा कैपिटल जी, 12 टेरा कैपिटल टी, 15 पेटा कैपिटल पी, 18 एक्सा कैपिटल ई, 21 कैपिटल जेड जेटा, ओके, 24 योटा एंड कैपिटल वाई. ओके, अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है. आगे का जो क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट. मास और वेट का डिफरेंस है, दो पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है. मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वेर एज वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, फिर दूसरा पॉइंट है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कॉन्स्टेंट, वेर एज वेट मे बी वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है. फिर तो ये था डिफरेंस, दो पॉइंट का डिफरेंस था, ठीक है. फिर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दी एक्यूरेटली बाय यूजिंग दी लेबोरेटरी इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस. ओके, एसआई यूनिट ऑफ मास इज इन किलोग्राम, वेर एज इन द लेबोरेटरी स्मॉलर यूनिट ग्राम इज यूज्ड मोर. ओके, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दिस वी आर अवेयर ऑलरेडी, ये हमें पता है बच्चों, ठीक है. अभी पहला जो फिजिकल क्वांटिटी था वो मास था, दूसरा वेट, ठीक है. अभी तीसरा हम वॉल्यूम के ऊपर जा रहे हैं, मीन्स लेंथ क्यूब. ओके, एसआई यूनिट सिस्टम क्या हो जाएगा, तो वो मीटर क्यूब हो जाएगा. इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब इज यूज्ड, विच इज स्मॉलर यूनिट. ओके, कॉमन यूनिट इज लीटर टू मेजर द वॉल्यूम. ओके, 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml. ओके, 1000 cm³ इज इक्वल टू 1 dm³, ठीक है. लेबोरेटरी में वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कुछ ग्लासवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है. ग्रेजुएटेड सिलेंडर वो ऐसा होता है, इसको मेजरिंग सिलेंडर भी बोल सकते हो, ठीक है. फिर ब्यूरेट, देन पाइपेट, ओके, एंड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, टू प्रिपेयर नोन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन. अगर आपको नोन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है. अभी हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज डेंसिटी. सो डेंसिटी इज इक्वल टू कॉल्ड अ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर वॉल्यूम, मास इन न्यूमरेटर, वॉल्यूम इन डिनोमिनेटर. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. एसआई यूनिट विल बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट द स्मॉलर यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो दिस इज व्हाट द टुडेज लेक्चर. ओके, आज हमने क्या पढ़ा, शुरुआत हमने की प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द एसआई सिस्टम से स्टार्टअप किया हमने, ठीक है. फिर हम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर गए, सबसे पहले जो है मास, उसके बाद वेट, ठीक है, फिर वॉल्यूम, फिर कौन से ग्लासवेयर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एंड देन डेंसिटी. ओके, थैंक यू.